एक बुज़ुर्ग इब्राहिम नामी फरमाते हैं कि मैं हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद रदी अल्लाह ताला अन्हु के चंद दोस्तों के साथ हज के लिए रवाना हुआ तो रास्ते में हमने एक सफ़ेद रंग का खूबसूरत सांप देखा जिसके बदन से मुश्क अंबर की खुशबू आ रही थी। वो सांप बेचैन सा था और किसी तकलीफ़ में नज़र आ रहा था। थोड़ी देर के बाद वो सांप मर गया। उसके खुशबूदार बदन को देखकर मेरे दिल में इसके मुतालिक नेक गुमान पैदा हुआ और मैंने उसे एक कपड़े में लपेटकर रास्ते में अलग एक अच्छी जगह दफन कर दिया। फिर हम आगे बढ़े और नमाज मगरिब से पहले हम एक जगह बैठ गए। थोड़ी देर हुई तो हमारे पास चार औरतें आईं। उनमें से एक बोली, तुम में से उम्र को किसने दफन किया है? हमने कहा, उमर कौन? वो बोली, वो सफ़ेद सांप जिसे तुम में से किसी ने दफन किया है, वही उमर था। मैंने कहा, बाखुदा उसे मैंने दफन किया है। तो वो मुझसे मुखातिब होकर बोली कि तुमने एक तहज्जुद गुजार और बहुत ही ज़्यादा रोज़े रखने वाले मोमिन जिन को दफन किया है। इसने नबी आखिरुज़्ज़मां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की सिफ़त उनकी तशरीफ़ आवरी से 400 साल पहले आसमानों पर सुनी थी और ये उसी वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम पर ईमान ले आया था। मैंने ये बात सुनकर अल्लाह का शुक्र किया और फिर हम मक्का मौज़मा पहुँचे। ये ज़माना हज़रत फ़ारूक़ आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु का था। हज के बाद हम हज़रत फ़ारूक़ आज़म से मिले और इस सफ़ेद सांप वाला किस्सा बयान किया तो हज़रत फ़ारूक़ आज़म ने फरमाया, तुमने सच कहा, मैंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम से भी उस जिन का तज़किरा सुना था। जिनों की कई कई सौ साल उम्र होती है और ये भी मालूम हुआ कि हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की अज़मत व तारीफ़ के डंके ज़मीनों आसमानों में बजते रहे हैं और बज रहे हैं और बजते रहेंगे। और ये भी मालूम हुआ कि कई खुश नसीब अफराद रसूल पाक की तशरीफ़ आवरी से पहले ही हुजूर पर ईमान ले आए थे और कई बदबख्त हुजूर को देखकर भी इस नेमत से महरूम रह गए।